साथियों, श्रद्धेय अटल जी ने ही सबसे पहले शहरों में गरीबों और मध्यम वर्गों के परिवारों को घरों के सपनों को पूरा करने का एक बीड़ा उठाया था। अटल जी ने शहरों में झुग्गियों में रहने वालों को घर देने के लिए 2001 में लखनऊ में वाल्मीकि आंबेडकर आवास योजना शुरू की थी। इतना ही नहीं, ये अटल जी की ही सरकार थी जिसने देश में घरों की आवश्यकता को देखते हुए हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला था। अब आप लोगों को ये याद होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। साथियों, केंद्र की वर्तमान एनडीए सरकार अटल जी के प्रयासों को विस्तार देने में जुटी है। देश का गरीब हो, देश का मध्यम वर्ग हो, उसके घर का सपना पूरा हो, 2022 तक, जब आजादी के 75 साल होंगे, 2022 तक हर बेघर को अपना पक्का घर मिले, इस दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आज देश के गांव और शहरों में लगभग 1.5 करोड़ गरीबों के घर बनाए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग 15 लाख घर शहरी गरीबों के लिए बनाए जा चुके हैं। साथियों, जब भी मैं घर बनाने का ये आंकड़ा देता हूं तो हमारे राजनीतिक जो प्रतिद्वंदी हैं और मीडिया में मेरे को ज्यादा ही चाहने वाले लोग भी हैं, उनका जरा प्यार की वर्षा बहुत रहती है मुझ पर, वो पूछते हैं कि इसमें नया क्या किया है, इस तरह की योजना तो पहले भी चलती थी। ये बात सही है, ये योजनाएं पहले भी चलती थी, जरूर चलती थी, लेकिन सच्चाई है कि ये भी सबके सामने सच्चाई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना और पहले की आवास योजनाओं में सबसे पहला अंतर तो नियत का है। ये योजना ऐसी है जिसमें किसी के नाम को अमर करने की कोशिश नहीं है, सिक्का मारने की कोशिश नहीं है। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा चलता रहेगा। अब इसमें नियत की मुझे कहना पड़ेगा कुछ क्या? किसी नामदार की पब्लिसिटी के लिए ये योजना नहीं है। जब आप किसी योजना से नाम का या स्वार्थ का भाव निकाल देते हैं तो आपकी नीति स्पष्ट हो जाती है, और इसलिए इसमें करप्शन का, अपने पराये का, मेरा तेरा का, ये सारा भाव खत्म हो जाता है। अब वैज्ञानिक तरीके से तकनीक का उपयोग कर लाभार्थियों का चयन होता है, किसी के कहने पर लिस्ट में नाम कटने या जोड़ने का काम जो होता था, उसकी एक बड़ी दुकान चलती थी, बड़े मशहूर खिलाड़ी होते थे उसके, और एक्चुअली मकान बनाने वालों से ज्यादा मकान दिलाने वाले कमाते थे। अभी दुकानें बंद हो गई, हो सकता है उसमें आपको भी कहीं कोई तकलीफ वाले लोग हो सकते हैं। लेकिन अब आपने प्रधानमंत्री ऐसा बनाया है तो क्या करें।